आज पूरा देश ईद मना रहा है। बॉलीवुड के तीन बड़े सितारों ने भी ईद मनाई और अपने चाहने वालों को के सामने आकर शुभकामनाएं दी। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के तीनों खान यानी आमिर, शाहरुख और सलमान की। आपको दिखाते हैं इन तीनों ने ईद कैसे मनाई और उनकी एक झलक के लिए दर्शकों का कैसे हुजूम उमड़ पड़ा उनके चाहने वालों का। सबसे पहले बॉलीवुड के दबंग यानी सलमान खान के घर चलते उन्होंने अपनी बालकनी से सामने खड़े फैंस को आंखों से ईद की शुभकामनाएं दी और चाहने वालों की बधाइयां। सलमान के साथ मौजूद उनके पिता सलीम खान लोगों के मन में अपने बेटे के लिए बसी चाहत को बस देखते रहे। सल्लू मियां के घर के बाहर सुबह से ही फैंस का हुजूम उमड़ा। लोग भाईजान की एक झलक पाने के लिए बेकरार थे। हालत ये थी कि लोगों के जोश को संभालना पुलिस के लिए भारी पड़ रहा था, कभी लाठियों का सहारा लेना पड़ रहा था। फिर भी बात नहीं बन रही थी, लोगों पर जुनून सा सवार था। शाम ढलने लगी तो सलमान खान के बालकनी का पर्दा उठा और वो बाहर आए। उन्हें देखते ही फैंस की चीख निकल आई, उनका जोश सातवें आसमान पर पहुंच गया। सलमान ने अपनी बालकनी से हाथ हिलाए सलाम और हाथ जोड़े। जिस तरफ से लोगों ने आवाज दी उन्हें चीयर किया, उस तरफ सलमान ने हाथ हिलाए। इशारों ही इशारों में सलमान खान ने अपने फैंस से बात भी की। लोग आवाज देते रहे और सलमान उनका अभिवादन करते रहे। इस बीच सलमान खान ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस को ईदी भी दी। उन्होंने अगली ईद के लिए अपनी नई फिल्म का ऐलान किया। सलमान ने लिखा, इस ईद बड़े मियां छोटे मियां और मैदान को देखें और अगली ईद सिकंदर से आकर मिलो। अब जरा बॉलीवुड के किंग खान के घर चले। उन्होंने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया, इशारों में ईद की शुभकामनाएं दी और उनकी शुभकामनाओं का शुक्रिया भी किया। हर साल की तरह इस बार भी शाहरुख के घर मन्नत के बाहर घंटों उनके चाहने वाले खड़े रहे। हर कोई अपने हीरो के दीदार की मन्नतें कर रहा था। सफेद कुर्ता पायजामा पहने शाहरुख अपने घर की छत पर चढ़ते दिखाई दिए तो भीड़ का जोश चौगुना हो गया। शाहरुख ऊपर आए तो उनके साथ बेटा अबराम भी था। जूनियर शाहरुख ने भी सफेद कुर्ता पायजामा डाल रखा था। बाप बेटे को देख भीड़ चीखती रही। फिर शाहरुख के साथ बेटे ने भी हाथ हिलाकर फैंस को शुक्रिया कहा। नीचे से फैंस आवाज लगाते रहे और शाहरुख उन्हें फ्लाइंग किस देते रहे। शाहरुख के बगल में खड़े अब्राम पिता को चाहने वाले हुजूम को देखकर गदगद हो रहे थे। फिर अब्राम ने पिता से नीचे जाने की इजाजत मांगी। शाहरुख ने अब्राम के माथे पर किस किया और वो नीचे रवाना हो गए। अब्राम के जाते ही शाहरुख रियल से रील वाले अंदाज में आ गए। छत पर लगे लोहे के खंभे को पकड़कर ऊपर आ गए ताकि सामने मौजूद लोग अच्छे से उनका दीदार कर सके। शाहरुख ने भी किसी को निराश नहीं किया, जिधर से भी आवाज आई उधर फ्लाइंग किस दिए, हाथ जोड़े और हाथ। लोगों ने जब आवाज लगाई तो वो दोबारा खंभा पकड़कर थोड़ा ऊपर गए। शाहरुख ईद की बधाइयां देते रहे और सामने खड़ी भीड़ उनके अंदाज को कैमरे से लेकर अपने दिल में कैद करती रही। शाहरुख ने अपने चाहने वालों के साथ जो ईद मनाई उसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और लिखा, मेरा दिन इतना खास बनाने के लिए आप सबका शुक्रिया। अल्लाह आप सभी को प्यार, खुशियां और बरकत दे। आमिर खान ने भी धमाकेदार ईद मनाई। सफेद कुर्ता पैजामा में वो अपने घर के बाहर आए ढोल नगाड़ों के साथ। उनके घर के बाहर मीडिया कर्मियों का हुजूम था, उन्होंने फोटो खिंचवाए, फिर गेट के बाहर खड़े मीडिया कर्मियों को मिठाइयां बांटी और ईद की मुबारकबाद दी। आमिर खान गेट के भीतर से मिठाइयां बांटते रहे और बाहर खड़े मीडिया कर्मी उन्हें गेट खोलने की गुजारिश करते रहे।
इधर से उधर आमिर ने किसी को भी निराश नहीं किया, सबसे हाथ मिलाया और सबको शुभकामनाएं भी दी, फिर गेट खुलवा कर बाहर भी आए और ईद मुबारक कहा। ईद मुबारक। आज तक ब्यूरो।